में वाराणसी के प्रसिद्ध अस्सी घाट पर है और मेरे पीछे आरती की तैयारी की शुरुआत होने जा रही है। थोड़ी देर में यहाँ पर आरती होगी और इस आरती को देखने के लिए तमाम दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और प्रधानमंत्री काशी से चुनकर तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं। ऐसे में जो लोग हैं उनकी क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, उनकी तीसरे कार्यकाल से कुछ यहाँ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? कुसुमलता। क्या कहेंगी प्रधानमंत्री जी तीसरी बार फिर शपथ लेने जा रहे हैं, तो क्या कुछ अपेक्षाएं हैं इस बार आप लोगों की? मेरे लिए तो सब सही है। हाँ, सब सही है। हाँ, कुछ ऐसा है कि जो पिछले कार्यकाल में नहीं हुआ इस बार होना चाहिए? शायद होना चाहिए। क्या कुछ, जैसे आपके मन में क्या कुछ है ऐसा कि जो पिछली बार नहीं हो पाया इस बार करना चाहिए? फिलहाल इससे ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, बाकी सही है सब कुछ, बस सब सही है। मैडम, आप क्या कहेंगी, आधी आबादी क्या सोचती है इस तीसरे कार्यकाल को लेकर प्रधानमंत्री के? आप क्या सोचती है तो नहीं बता सकते, लेकिन अच्छा ही सोचती है। अब मोदी हर चीज़ अच्छा ही कर रहा है, बस खाली महंगाई थोड़ी कम हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो मतलब हर चीज़ अच्छा है। तो मतलब आप तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री से महंगाई कम करने की अपील कर रही हैं? हाँ, महंगाई कम करने की अपील कर रही हूँ, बस बाकी सब मोदी का सब कुछ अच्छा है। हाँ, ऐसा कुछ रहा कि दूसरे और कार्यकाल में, पहले कार्यकाल में जो उन्होंने किया अब ये ना करके ये करें, कुछ ऐसा कुछ है? ऐसा अभी तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। हाँ, नहीं, बस महंगाई आपके लिए मेन मुद्दा है, बहुत मायने होने के नाते। अच्छा, मायने रखती है ना। अच्छा, काशी से चुनकर तीसरी बार जा रहे हैं प्रधानमंत्री, फिर से बन रहे, तो खुशी है उसको लेकर आप? हाँ, मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैंने उन्हीं को वोट दिया था। बिल्कुल, देखिए बहुत उत्साह है, खुशी है, कुछ और लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? निशा त्रिपाठी। क्या कहेंगी आप तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, खुशी है? हाँ, खुशी तो है, उनको बधाई भी है कि वो फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बट मेरा इस सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कि जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो बस वो थोड़ा सा फोकस इस चीज़ पे करें, बाकी उनका सब कुछ बहुत बेस्ट है। अच्छा, मतलब आप चाहती है कि खाली जॉब पर ध्यान दें? जॉब पर थोड़ा फोकस करें, क्योंकि जो भी पेपर होता है वो कैंसिल हो जाता है या फिर कहीं पेपर लीक हो जाता है, तो इस चीज़ से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है जॉब। हाँ, और बाकी और कुछ? बाकी सब कुछ ठीक है उनका। मैडम, आप गृहिणी हैं, आपकी क्या कुछ अपेक्षाएं हैं आपकी इस तीसरे कार्यकाल से? सब ठीक है, हमारे तरफ से सब ठीक है। अच्छा, बनारस आई है तो क्या विकास बनारस में नजर आ रहा है आपको? हाँ, नया है, रोड भी चौड़ा हो गया और सब बहुत अलग लग रहा है, हम 10 साल बाद फिर आए हैं। अच्छा, तो विकास हुआ है जी। ये कुछ और लोग हैं, माता जी क्या नाम पड़ेगा आपका, नाम तो बताइए। हम नहीं बताएंगे। अरे, नाम क्या है आपका? अरे, दूसरे से। आप क्या नाम है आपका? माधी त्रिपाठी। अच्छा, क्या कहेंगी आप, विकास हुआ है? हाँ, विकास तो भैया सब हुआ है। अच्छा, आप गृहिणी हैं, क्या कुछ अपेक्षाएं कर रही तीसरे कार्यकाल से? जो कर रहे हैं वो हम लोग को मिल ही रहा है, और क्या चाहिए, हम लोग इनसे खुश हैं। खुश हैं आप, तो क्या कुछ चाह रही की जो कार्यकाल आएगा तीसरा उसमें ये कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो होना होगा वो होगा ही, हम लोग के कहने से तो होगा नहीं। अरे, आप लोग मान लीजिए अपने हिसाब से तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, इतना करने के बावजूद भी सत्ता से इतना वो हो रहा तो आदमी कोशिश करेगा ही आगे बढ़ने का। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? कावेरी बनर्जी। कावेरी जी, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री काशी से चुनकर तीसरी बार प्रधानमंत्री फिर से बनने जा रहे हैं, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको इस कार्यकाल से? कार्यकाल से क्या मिला है ये क्या बोलेंगे, हम लोगों को तो कुछ भी ऐसे नहीं मिला है। लेकिन हम बनारस में आए हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, हम बंगाल से है। अच्छा, ठीक है, लेकिन हम बनारस में आए हैं कैंसर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए। हाँ, तो यहाँ के मुझे बहुत ज़्यादा सुविधा मिला है, जो ट्रीटमेंट का कॉस्टिंग बहुत कम है, तो हम लोग बहुत सेटिस्फाइड है ट्रीटमेंट से। अच्छा, विकास हुआ है सरकार में? हाँ, बनारस में तो हम बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन हम बंगाल से है तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। बंगाल के मनाई है क्या? नहीं, बंगाल मना नहीं है। विकास के बारे में ना बोले? नहीं, बात ऐसा नहीं है, मतलब बंगाल में तो हम लोगों का अलग है ना, प्रधानमंत्री तो आपके बंगाल के भी हैं। हाँ, सारी जगह, लेकिन बंगाल में तो ममतलब शायद मेरा ख्याल से कुछ नहीं होता है वैसे। बंगाल में आप बाकी नहीं, बंगाल में तो हमको नहीं दिखता है विकास, लेकिन बनारस में दिखता है। दिख रहा है? हम काशी भी, उत्तराखंड भी गए थे केदारनाथ, वहाँ पे भी मुझे बहुत कुछ दिखा है।
एकदम क्लीनिंग है पूरा, एकदम साफ सुथरा सब कुछ, संतुष्ट है अभी सरकार। अच्छा, क्या अपेक्षाएं करती है कि इस बार तीसरी बार जब कार्यकाल इनका आएगा तो और को क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, जो होना चाहिए वो बेकार, जो बेरोजगार है उन लोगों के लिए कुछ होना चाहिए, नौकरी का इंतजाम होना चाहिए, बस और कुछ नहीं, बस यही एक डिमांड है कि नौकरी चाहिए, बस नौकरी। अच्छा माता जी, आप इनकी बातों से सहमत हैं? उसका बातों में मैं सहमत है आप। अच्छा, क्या कहेंगी प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं काशी से चुनकर, फिर एक बार फिर से 3.0 मोदी जी का सरकार आने वाला है, शपथ लेने जा रहे हैं, क्या कुछ अपेक्षाएं हैं? आप क्या अपेक्षा करती हैं? आप यूथ हैं, बस रोजगार का थोड़ा और हमें मिले अवसर, रोजगार की थोड़ी कमी है अभी, बाकी सब अच्छा है। इंटरनेशनल लेवल पे वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, विश्व व्यापक स्तर पे, थोड़ा अभी इंडिया पे भी अभी फोकस करें तो बहुत अच्छा है। अच्छा, मतलब विश्व में डंका बज रहा है? एकदम बज रहा है। विकास विकास इसके इनके कार्यकाल में विकास हुआ है पिछले दो कार्यकाल में? हुआ है। तो खाली आपको मतलब रोजगार पर आप चाह रही की सरकार काम करे, क्योंकि अभी हम स्टूडेंट है ना, तो अभी तो हमारी अपेक्षा यही है रोजगार जी। और महंगाई वगैरह जो तमाम लोग बात करे, वो सब महंगाई है लेकिन उसमें वो भी कम होना चाहिए थोड़ा, मतलब मेन आप खाली रोजगार पर। हाँ, नौकरी अच्छी मिल जाएगी तो महंगाई भी हो ही जाएगा। मैडम आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? नहीं, कुछ भी नहीं बोलना है। नाम तो क्या है आपका? नाम सोनम। अच्छा, क्या कहेंगे सरकार से, कुछ अपेक्षाएं हैं फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, खुशी उसी है उसको लेकर? अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि और अच्छा करें वो। अच्छा, क्या चाहते हैं कि मतलब कि पिछले दो कार्यकाल में मोदी ने ये किया है, अब ये करे, रोजगार पे काम करे, तमाम लोग अपनी अपनी राय रख रही है, आप यूथ है तो आप क्या सोचती हैं? हम तो ये चाहेंगे कि नेता जो भी हो तो मेरे ख्याल से अब इन लोगों को शपथ लेना चाहिए और किसी युवा को नेता बनना चाहिए। अब आप चाह रहे हैं कि अब कोई युवा प्रधानमंत्री बने? जी हाँ। अब मैडम आप इनकी बातों से सहमत हैं? हाँ बिल्कुल। आप क्या चाहती हैं कि क्या कुछ होना चाहिए? प्रधानमंत्री भी अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उन्होंने अच्छा काम किया है, इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो वो एक अच्छा उनका एक काम है, वो भी हम लोगों को बहुत पसंद आया। लेकिन एक महिला के लिए भी उनको थोड़ा अलग से सोचना चाहिए, उनके रोज़गार पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा, महिला सुरक्षा की बात की जाती है, दावा करते कि हमारे राज्य में महिला सुरक्षित है, आपको लगता है ये सही है या फिर और काम करने की ज़रूरत है? नहीं, और ज़रूरत तो है सिक्योरिटी को लेकर, तो हम लोगों को भी हमेशा डर लगा हुआ रहता है, लेकिन उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर हम लोग चाहते हैं कि हो। और हाँ, मतलब महिला सुरक्षा पे अच्छा और काम सरकार करे अपने इस कार्य, और उनके रोजगार पे भी काम दे काम करे, वो भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर 80 घाट पर तमाम जो लोग आए हुए थे गंगा आरती देखने के लिए, तो लोगों का यही कहना है कि सरकार बेरोजगारी पर और महंगाई पर विशेष ध्यान। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।